मैं पास्टर कुलभूषण जौहर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के वचन में से देखने से पहले, कलाम को सीखने से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने ये समय हमारी ज़िंदगी में दिया कि हम आपके वचन में से सीख सकें, आपके कलाम को सुन सकें। महान परमेश्वर, इस वक्त जितने लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन आज आपके कलाम के द्वारा छुआ जाए और छुड़ाया जाए। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक उलझाने वाली आत्मा को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम डांटते हैं। आप हम सब के साथ होना, मदद करना, सहायता करना। आपका वचन बहुत आयत का फल लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इसका मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज गॉड। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज जिस विषय में मैं आपसे बात करूँगा वो विषय बहुत से लोगों की लाइफ में उनको डिस्टर्ब करता है। हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम दशमांश देते हैं, हम चर्च में जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारी लाइफ की स्ट्रगल सेम रहती है। कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं होता। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम परमेश्वर के वचन में से जब हम प्रार्थना करके, जब हम चीज़ों को हैंडल करके चलेंगे, तो कैसे परमेश्वर हमें ना सिर्फ छुड़ाएंगे बल्कि हमें दूसरों की अगुवाई करने के लिए भी चुनेंगे। हालेलुया। आपको यह लग सकता है कि आप ट्रबल में हैं, पर आज वचन में से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस तरह से चलेंगे तो कैसे ना सिर्फ आप छूट जाएंगे अपनी सड़ाहट से, अपनी ट्रबल से, अपनी प्रॉब्लम से, पर आप दूसरे लोगों को भी छुड़ाने के लिए अगुवाई करने वाले होंगे। हालेलुया। आइए एक हिस्से को हम पढ़ते हैं परमेश्वर के कलाम में से जो हमें मिलता है दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएँ दी हैं,
ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। पत्रस यहाँ पे एक बात बताता है, वो ये नहीं बोलता कि अगर तुम मसीह में हो तो तुम्हारे ऊपर ट्रबल नहीं आएगी, वो ये नहीं बोलता अगर तुम यीशु मसीह के ऊपर फेथ रखते हो तो तुम्हारी लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, पर वो एक बात बताता है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी स्ट्रगल है जिससे अब तक तुम नहीं छूटे, तो वो यहाँ पर एक बात बताता है कि जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएँ दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। पत्रस यहाँ पे एक बात बताता है कि तुम्हारी लाइफ की स्ट्रगल, वो सड़ाहट, उससे तुम छूट सकते हो। कैसे? अगर तुम प्रभु यीशु मसीह की दी गई उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर फेथ करोगे, उसके उन प्रोमिसेस के ऊपर, उसकी उस वाचा के ऊपर अगर तुम फेथ करोगे। याद रखो, जब तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आए थे, हम पुराने नियम में, हम पुरानी व्यवस्था, पुराने लॉ को फॉलो करते थे, हम लोग उस लॉ के अकॉर्डिंग चलते थे, लोग उस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। पुराने नियम में बताया गया कि अगर तुम्हारी कोई आंख को निकाले तो तुम भी उसकी आंख निकाल दो, दांत को तोड़े उसके दांत को तोड़ दो। क्यों? क्योंकि तब तक यीशु मसीह जमीन के ऊपर नहीं आया था। इजरायली लोग सिर्फ 70 लोग थे, अगर तब वो माफ कर दो इस नीति के ऊपर चलते तो उस वक्त के लोग उनको मार देते, और जिस वंश से यीशु मसीह पैदा हुआ उस यहूदा वंश को लोग यीशु मसीह के जन्म से पहले ही नाश कर देते। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने कहा, तुम लोग उनका सामना करो, उनसे बचो और उनसे छूट जाओ, उनसे जीत जाओ। पर जैसे ही यीशु मसीह ने जन्म ले लिया, उसके बाद वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा, अब तुम लोग लड़ाइयाँ नहीं करोगे, अब तुम लोग अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करोगे, तुम माफ़ करोगे, तुम एक दूसरे के साथ अपने से बढ़ के दूसरे को ट्रीट करोगे। ये बात यीशु मसीह ने कही, और इसी सिद्धांत के ऊपर पत्रस बोलता है कि अगर अब भी तुम्हारी लाइफ में कोई स्ट्रगल, कोई सड़ाहट है, तो तुम्हें उससे छूटने के लिए उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर फेथ करना पड़ेगा, उसकी वाचा के ऊपर फेथ करना पड़ेगा। याद रखो, जब यीशु मसीह पकड़वाया गया तो बाइबल कहती है जिस रात वो पकड़वाया गया उसने धन्यवाद करके रोटी ली, उसे तोड़ा और कहा ये मेरी देह है, और उसने रस लिया और उसको उसने छुआ और उसको कहा कि ये ब्यारी के पीछे कटोरा लेके ये एक लहू में नई वाचा तुम्हारे लिए दी गई। यीशु मसीह ने कहा ये एक नई वाचा तुम्हारे साथ है, एक नई प्रतिज्ञा है, अब इसके ऊपर फेथ करने के द्वारा तुम छुड़ाए जाओगे। अब फेथ करना कैसे? फेथ इस तरह से कि तुम उस प्रतिज्ञा को याद रखो, तुम उसकी उस प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी लाइफ को स्पेंड करो, और जैसे ही तुम ऐसा करोगे तुम अपनी सड़ाहट से छूट जाओगे। याद रखो, अपनी सड़ाहट से हम कुड़कुड़ा के नहीं छूट सकते, हम दुखी होके नहीं छूट सकते, हमें वचन में जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप प्रायोरिटी यीशु मसीह को अपनी लाइफ में देते हैं, वचन को देते हैं, वचन के महत्व को जानते हैं, आप अपनी सड़ाहट से छूट सकते हैं। बाइबल इसके बारे में हमें बताती है। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की किताब 16 अध्याय उसकी 33 आयत में उसने कहा, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें क्लेश मिलता है, पर मैंने संसार को जीत लिया है। अगर हम यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं के ऊपर फेथ करते हैं, यीशु मसीह को हम फॉलो करते हैं, हम अपनी सड़ाहट से छूट सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताऊंगा। हम लोग रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं वचन में से आपको बताऊंगा कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह को अपना फोकस रख के इन सब सड़ाहटों से, इन प्रॉब्लम से, ट्रबल से अपनी लाइफ को छुड़ा सकते हैं, इसी के बारे में पत्रस ने कहा। तो हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद हम वचन में वापस आएंगे।
स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को फेथ करने के बाद भी विश्वासी लोग स्ट्रगल में हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने उस स्ट्रगल से, उस सड़ाहट से हम छूट सकते हैं। याद रखो, पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब रहा, उसने इस बात को लिखा। इसका मतलब वो जानता है कि स्ट्रगल लाइफ में हो सकती है, पर स्ट्रगल में हम लाइफ को क्विट नहीं कर सकते। स्ट्रगल से छूटने के लिए हमें जो करना है, हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। हालेलुया। हम बाइबल में से देखेंगे कि कैसे हम अपनी सड़ाहट, अपनी स्ट्रगल, अपनी ट्रबल से छूट सकते हैं। वो ट्रबल कोई भी हो, वो ट्रबल किसी भी तरह की क्यों ना हो, आपको फिजिकल बॉडी में कोई बीमारी हो, आपको स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप बैकस्लाइड हैं, अगर आपकी स्ट्रगल आपके फाइनेंस में है, अगर आपकी स्ट्रगल आपकी लाइफ में आपको सड़ाहट की ओर लेके जा रही है, तो देर इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर यू। यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, उसकी प्रतिज्ञा के द्वारा, उसके प्रॉमिस के द्वारा हम अपनी सड़ाहट से छूट सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊँगा। हम लोग देखेंगे निर्गमन, एक्सोडस, उसका 33वां अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय, उसकी 12 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताता कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं ज्ञान पाऊँ, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे संग चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने कहा, यदि तू आप ना चले, तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसराइलियों को मिस्र में से जब मूसा निकाल के लेके आ रहा था, इसराइली मूसा को बहुत परेशान करते थे, क्या हमें मिस्र में खाने के लिए मांस नहीं था, क्या हमें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी, तू क्यों हमें मरने के लिए ले आया, क्यों तू हमें यहाँ पे ख़त्म होने के लिए ले आया, हम गुलामी में अच्छे थे। वो अपनी सड़ाहट में खुश थे, वो उससे निकलना नहीं चाहते थे। पर जब मूसा उनको ले आया, मूसा भी वहाँ पर क्विट कर सकता था। मूसा ये बोल सकता था कि मैंने इनमें से क्या लेना है। एक जगह पर मूसा ने बोला भी कि क्या मैंने इसराइलियों को अपनी कोख से जन्म दिया, क्या मैंने इनको जन्माया जो ये मुझे ना तंग करते हैं। वो यहां पे क्विट कर सकता था, पर उसको पता है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर उसने प्रतिज्ञा की है, तो वो मेरी सड़ाहट को खत्म करेगा, वो मेरी शर्मिंदगी को खत्म करेगा। अगर मूसा वहां पे क्विट कर देता, तो वो लोग ना सिर्फ वापस चले जाते, पर मूसा को शायद मार भी देते, मूसा को दंड देते, मूसा को वो वहीं पे बुरे हालात में छोड़ते। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यहाँ ये वहाँ से हमें क्यों छुड़ा के लेके आया, जब हमें वायदा की हुई धरती पे इसको पहुँचाना ही नहीं था। मिस्र में फिरौन उनको नहीं छोड़ता और ये मूसा को नहीं छोड़ते। पूरे सब इंसिडेंट्स में किसका फ़ायदा होता? डेवल का, जो उनको वहाँ पे आने के बाद भी वापस ले जाता, उनकी लाइफ चेंज नहीं होती। सेम चीज़ आज एक विश्वासी की लाइफ में होती है। विश्वासी जब यीशु मसीह के ऊपर फेथ करता है, उसको लगता है मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, आसमान से कोई आवाज़ आएगी। वो हमेशा इस सोच में रहता है कि कोई बड़ा मिरेकल हो जाएगा, जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती कि उसने तुम्हें प्रतिज्ञाएं दी हैं। प्रतिज्ञाएं कहाँ से मिलेंगी? प्रतिज्ञाएं बाइबल में से ढूंढने पर मिलेंगी। बाइबल कहती, तेरा वंश बचाया जाएगा, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, तेरा वंश पराक्रमी होगा। बाइबल इन आयतों को, इन प्रॉमिसेस को बोलती है। अगर हम उसे जानते हैं, उसको क्लेम करते हैं, तो हमारा मन व्याकुल नहीं होगा, हम किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे मूसा ने क्विट नहीं किया, हम भी अपनी लाइफ में क्विट नहीं करेंगे। जैसे मूसा ने उन लोगों को कनान देश तक पहुँचाने का काम पूरा किया, भले ही उसने यहोशू को यूज़ किया, पर वो जीते जी ना सही, पर मरने के बाद जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, वहाँ पे बाइबल कहती है मूसा को बताया गया, मूसा को दिखाया गया, वो उस वायदा की हुई धरती को दूर से ही सही पर देखने पाया, पर क्विट नहीं किया। आज एक विश्वासी अपनी लाइफ में क्विट कर चुका है, उसको लगता है मेरी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होता। क्या आप जानते हैं मूसा की लाइफ ऐसी क्यों थी? क्या आप जानते हैं मूसा क्यों क्विट नहीं कर पाया? क्यों मूसा इन हालात में भी खड़ा रहा? क्यों इन हालात में भी मूसा ने अपने आप को उनके सामने चट्टान की तरह बना के रखा? मूसा उस जगह के ऊपर इरिटेट हो सकता था, क्विट कर सकता था, उसने नहीं किया।
सबसे पहली बात यहाँ पे मूसा टोटली परमेश्वर के ऊपर डिपेंड था। उसने कहा, तूने कहा था कि जब मैं जाऊँगा मैं तेरे साथ चलूँगा। परमेश्वर ने कहा, हाँ मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। मूसा ने कहा, अगर तू ना चले तो मुझे आगे नहीं लेके जाना, मुझे आगे नहीं जाना। मूसा का जो सेंट्रल, जो एक उसका पूरा फोकस था, वो परमेश्वर था। परमेश्वर के ऊपर उसका पूरा ध्यान था कि क्या परमेश्वर उससे चाहता है, क्या परमेश्वर उसको करवाना चाहता है, कैसे परमेश्वर उसके साथ रहेगा तो वो चीज़ों को वो चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास्ट के एक्सपीरियंस ने उसको बना के रखा। आपकी लाइफ में पास्ट में परमेश्वर ने काम किया पर आज कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपना फोकस खो दिया। आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया, आज आपकी प्रार्थना लाइफ ज़ीरो है, आज आपकी आराधना लाइफ ज़ीरो है। आप परमेश्वर के साथ उस रिलेशन से दूर हैं, कोसों दूर हैं। इसीलिए परमेश्वर बात नहीं करता, इसीलिए वो सड़ाहट बदबू देती है। आज बहुत से लोगों की लाइफ में सड़ाहट आ चुकी है, पर देर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। मैं आपको फिर बताता हूँ, वचन ये कहता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएँ तुम्हारी सड़ाहट से तुम्हें छुड़ा लेंगी। हालेलुया, आज ये वचन आपके लिए है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मत सोचो कि बहुत से लोग इस समय टीवी को देख रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज आपको अपनी सड़ाहट से छूटना है, आज आपको आज़ाद होना है। आज आपके आज़ाद होने का दिन है। चाहे आपकी फिजिकल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, चाहे स्पिरिचुअली स्ट्रगल है, कोई भी स्ट्रगल हो, पतरस ने कहा वो तेरी सड़ाहट से छुड़ाने में सामर्थ्य है क्योंकि उसने तेरे साथ प्रतिज्ञा की है। हालेलुया, मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूंगा। और मैं ये जानता हूं कि अगर आज आपने तौबा की, अगर आज आप अपने आप को उसके आगे सरेंडर करेंगे, आप अपनी सड़ाहट से छूटने वाले हैं। एक और आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या था जिसने मूसा को चट्टान की तरह खड़ा करके रखा, और वही वचन आज आपको उठा के खड़ा करने वाला है।
स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ की उस ट्रबल स्ट्रगल उस सड़ाहट से हम छूट सकते हैं। याद रखो, आसमान से कोई आवाज़ आपको नहीं आएगी, कुछ हम आसमान से नहीं गिरेगा। ये वचन, ये जीवित कलाम जो हमें दिया गया, ये बाइबल, इसको पढ़ के ही हम अपने उत्तर को ले सकते हैं। मैंने आपको बताया मूसा कैसे अड़ा रहा, किस तरह से वो उन परिस्थितियों में भी खड़ा रहा, क्विट नहीं किया, वो उन लोगों को मिस्र से छुड़ा के लाने पाया, वो लाल समुद्र को दो भाग करने पाया, बड़े चमत्कारों को देखने पाया। क्यों, उसके पीछे क्या वजह थी, मैं आपको बताऊंगा। हम लोग देखेंगे निर्गमन की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 10 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इसराइल को मिस्र से निकाल ले आऊँ। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने मूसा से एक प्रतिज्ञा की थी कि मैंने तुझे भेजा, इसका एक चिन्ह होगा। ये तेरे मन का ख्याल नहीं, ये एक ईश्वरीय, एक डिवाइन तरीके से मैंने तेरे ऊपर अपने आप को जाहिर किया। इसका एक चिन्ह ये होगा कि जब तुम लोग छूट जाओगे, इसी पहाड़ के ऊपर आके तुम मेरी आराधना करोगे। आप जानते हैं, जब भी मूसा ने हार्ड टाइम देखा, जब भी लोग उसके सामने कुड़कुड़ाते थे, फिरौन उसको हार्ड टाइम देता था, लोग उससे लड़ते थे, झगड़ते थे, मूसा उनसे फ्रस्ट्रेट जब होता था तो उसके मन में एक ही बात आती होगी। मूसा मन में सोचता होगा कि परमेश्वर ने मेरे साथ प्रतिज्ञा की है, और वो प्रतिज्ञा क्या है कि जब तुम लोग छूट जाओगे, इसी पहाड़ के ऊपर आके तुम मेरे नाम की आराधना करने पाओगे। हालेलुया। मूसा उन स्ट्रगल्स को नहीं देख रहा था, उन ट्रबल्स को नहीं देख रहा था, वो उस प्रतिज्ञा को याद करता था। अगर आज आप इस प्रतिज्ञा को याद करते हैं कि परमेश्वर ने कहा, बाइबल कहती, जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी वाचा है तुम्हारे साथ, एक नई वाचा है। उसने कहा, इसी बीच उसने बैरी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी इसको पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। अगर आज आप इस बात को जानते हैं, आप विश्वास कर चुके हैं, रिपेंट कर चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, याद करो उन प्रतिज्ञाओं को, याद करो प्रभु यीशु मसीह की उन प्रतिज्ञाओं को। उसने आपके साथ वो प्रतिज्ञा को, उस संकल्प को लिया कि तुम लोग मुझ में नई सृष्टि हो। अगर आप ट्रबल में हैं, अगर आप बीमारी में हैं, उठाओ वचन को, खोलो वचन को और ढूंढो कहाँ पर लिखा है कि तेरे कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर आपके बच्चे आपके कहने के बाहर हैं, उठाओ बाइबल को और खोजो, ढूंढो कहाँ पे लिखा है कि तेरे बच्चे तेरी आज्ञा के अधीन होंगे। आपकी ट्रबल कोई भी हो, सल्यूशन एक ही है, जीवित कलाम, परमेश्वर का वचन। बाइबल कहती, उसने हमसे बहुत सी प्रतिज्ञाएं की ताकि हम अपनी सड़ाहट से छूट जाएं। आपकी सड़ाहट कुछ भी हो, आप बीमार हैं, ढूंढो कहाँ पे लिखा है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। पढ़ो वचन को। ये वचन नहीं, ये एक हथियार है, ये एक स्वॉर्ड है जो परमेश्वर ने हमें दी। आज हम परमेश्वर की उस स्वॉर्ड को यूज़ नहीं करते, पर आज हम शैतान की उन दिखाई हुई चीज़ों को मेडिटेट करते हैं। मैं बीमार हूँ, हमेशा अपने मुँह से यही बोलते हैं, मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं, मेरे हालात नहीं सुधरे, मेरा फाइनेंस नहीं सुधरेगा। जैसे जैसे आप इन चीजों को रिलीज करते हैं, आप खुद से अपने आप को एक ट्रबल में धकेल देते हैं। बाइबल कहती है, उसने हमारे साथ प्रतिज्ञा की, वाचा बांधी, संकल्प लिया, प्लज किया हमें। अगर हम इस बात के ऊपर फेथ करते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, आप इस सड़ाहट से छूटने वाले हैं। हालेलुया। मैं जानता हूँ ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं पता आपकी ट्रबल के लिए कौन सी वर्स बाइबल में कहाँ पे लिखी हुई है, पहले खुद उसको ढूंढो। अगर नहीं मिलती, आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर्स के ऊपर कॉल करें और टीम आपको बताएगी कि कहाँ पे वो वचन लिखे हैं। नंबर आप जानते हैं, स्क्रीन के नीचे आप उनको पढ़ सकते हैं, 7788922506045405401। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप फेसबुक के द्वारा, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा आप हमसे संपर्क करें और हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपकी ट्रबल के लिए परमेश्वर ने वो वचन दिए। उन वचनों को बोलो, अपने मुंह से रिलीज करो, आप अपनी सड़ाहट से छूटने वाले हैं।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक बात कहता है कि मेरे वचन का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही। आज ट्रबल ये है, हमें वचन का नहीं पता। अगर आप वचन को जानेंगे वो आपको आजाद करेगा। बाइबल कहती तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा। क्या आप सत्य को जानते हैं? यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं आ सकता। यीशु मसीह आपकी सड़ाहट के लिए अपने आप को क्रूस पे दे चुके हैं। अब आपको और मुझे ये फेथ करना है कि वो मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी भी उठा। जब आप परमेश्वर के साथ अपना टाइम देंगे, जब आप वचन को पढ़ेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। मैं इस बात को जानता हूं। हालेलुया। मैं जानता हूं ये वचन आपकी लाइफ में काम करेंगे। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अगर आप बीमार हैं, अगर आपकी कोई ट्रबल है, मेरे साथ आप इस प्रार्थना को दोहराएंगे और मैं जानता हूं परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आपके कलाम, आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन में से हमने सीखा कि आपने हमारे साथ प्रतिज्ञाएं की हैं ताकि हम लोग सड़ाहट से छूट जाएं। आज इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूं आपका पवित्र आत्मा इनको छुए, इनकी बीमारियां, ट्रबल, स्ट्रगल आज खत्म हो जाएं और पिता परमेश्वर इनकी सड़ाहट से छूटने का दिन हो। तेरे लोग आज खुदावंद बीमारियों से चंगियाई पाएं, फाइनेंशियली चंगे हो जाएं, स्पिरिचुअली चंगे हो जाएं, मेंटली हील हो जाएं। तेरे लोग खुदावंद छुड़ाए जाएं और बड़ी गवाही देने पाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आप ब्लेस्ड हैं और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप हमारे नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं 7788922250। अगर आपकी आपकी कोई गवाही है, टेस्टमनी है, प्रार्थना के दौरान, वचन के दौरान परमेश्वर ने आपको छुआ, आपको हील किया, छुड़ाया, तब भी आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके अपनी टेस्टमनी को रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, एवरी संडे हम दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 East 51st Avenue, वैंकूवर BC। आप सब लोगों को मैं मोस्ट वेलकम बोलता हूं। आप हमारे साथ परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, हम मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। मेरा विश्वास है इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।